हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर, न्यू चैप्टर, इसका नाम है लेजर। पहले पहले हम लोगों ने सब्सिडरीज बुक देख लिया था, परचेज बुक भी देख लिया, सेल्स बुक भी देख लिया। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक भी आपका सेम टू सेम परचेज बुक और सेल्स बुक की तरह ही है, तो आप लोग उसको कर लेना। अगर तभी तब भी समझ में नहीं आया तो बताना, मैं करवा दूँगा। सेम है, जहाँ पर परचेज बुक सेल्स बुक लिखते हो बस वहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लिख देना, बाकी सेम टू सेम वही पैटर्न आपका चलने वाला है। चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे लेजर, और जल्दी से इसको आज स्टार्ट करते हैं और आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो लेजर का मतलब क्या है पहले समझो। देखो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हम लोग सबसे पहले अकाउंट में क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी पैसों का लेन देन होता है उसको हम लोग कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं बेटा? उसको हम लोग जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम हो बेटा जर्नल। किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। अब रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे भाई? क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब क्या है? कुछ जन रिकॉर्ड में क्या था, एग्जांपल के लिए मान लो एक स्कूल है। एक स्कूल में चाहे क्लास 9 का बच्चा हो, चाहे क्लास 10 का हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लास का हो, सबकी फीस आई, सबको मैंने रिकॉर्ड कर लिया एक ही बुक में। किस बुक में? एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सबको एक साथ रिकॉर्ड कर रहा था। जब एक साथ सबको रिकॉर्ड कर रहा था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल बोलते हैं, ठीक। अब छोटा बिजनेस था, काम चल जाता था। अब बिजनेस बड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो भाई ना, पहले 5-5 बच्चे थे, 50-50 बच्चे हो गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एक सेपरेट बुक बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। लेजर में क्या करते हैं? हम लोग सबको क्लासीफाई करते हैं, यानी कि 9th वाले बच्चे अलग, 10th वाले बच्चे अलग, 11th वालों का अलग अकाउंट, 12th वालों का अलग अकाउंट। मतलब 9th, 10th, 11th हुए, किसी भी बैच के हों या फिर सेपरेट बोल सकते हो, अलग अलग नाम के, सबका अलग अलग अकाउंट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासीफाई। और जिस बुक में इसको अलग अलग बनाते हैं बेटा उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। अब लेजर में होता क्या है, देखो लेजर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से, और कैसे पोस्टिंग करनी सीखो। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा, मान लो 3-4 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, ठीक है, 10,000 अमन से गुड्स खरीदा। फिर पेड कैश टू अमन 5,000। फिर लिखा है कैश रिसीव्ड। क्या लिखा है? कैश रिसीव्ड बाय अमन 3,000। अब बाय का मतलब क्या? अमन से पैसा मिला उल्टा, ठीक। फोर्थ पे क्या है? फिर है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 4,000 रुपीस। फिर क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फिर क्या है? पेड कैश, ठीक है, पेड कैश टू राहुल 1,000 रुपीज, ठीक। अब मान लो आपको इस तरह से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें अलग अलग है। परचेज गुड फ्रॉम अमन 10,000 रुपीज, पेड कैश टू अमन 5,000 रुपीज, कैश रिसीव बाय अमन लिखा है 3,000 लिखा है, ठीक है, 3,000। फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4,000 रुपीज, पेड कैश टू राहुल 1,000 रुपीज। इस तरह से क्वेश्चन आता है और फिर नीचे लिखा रहता है ऐसे कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन टू लेजर। क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है, उसको पोस्ट करना है किसमें बेटा? लेजर में। तो अब इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करा जाए? चलो देखो पेज पलटना पड़ेगा, बट बताना। पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, तो अमन से गुड्स खरीदा तो एंट्री क्या होती है? छोटा छोटा लिखेंगे आज हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहीं पे लेजर बनाएंगे आज हम लोग। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं बन पाएगा, चलो कोई बात नहीं, तो फिर नए पेज बनाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन कितने का? तो भाई 5,000। कितने का है? 5,000 का, नहीं नहीं 10,000 का। और फिर अमन को पैसा भी दिया है 5,000, ठीक, 10,000 का अमन से क्या किया? सामान खरीदा है, ठीक है, ये एंट्री हो गई। फिर क्या लिखा? पेड कैश टू अमन, ठीक है, दूसरे वाले में लिखा है पेड कैश टू अमन।
अमन को पैसा दिया तो एंट्री क्या होगी, अमन रिसीवर है तो अमन्स अकाउंट डेबिट टू, पेड कैश टू अमन, कैश जा रहा है मेरे पास से तो कैश अकाउंट, ये मैं मान चलता हूँ ये एंट्री आपको बेसिक एंट्री आती है ठीक है। 5,000 रुपये, कितना रुपये, 5,000 रुपीज़, अमन कितना पैसा दिया, 5,000 रुपये दिया ठीक है। फिर क्या है, कैश रिसीव बाय अमन, अमन से 3,000 रुपये मिले, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव बाय अमन की, कैश रिसीव बाय अमन एंट्री होगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, कितना रुपए दिया बेटा अमन ने हम लोगों को, 3,000 रुपये, 3,000 ठीक है। फोर पे क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा है 4,000 रुपये का ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, जब फर्नीचर खरीदते तो परचेज नहीं लिखते, क्या लिखते हम लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर कैश में लिया है कि अमन से लिया है, कैश में लिया है ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का फर्नीचर है, 4,000 का, और लास्ट एंट्री क्या है, पेड कैश टू राहुल 1,000 ठीक है, 4,000 लास्ट एंट्री है, पेड कैश टू राहुल, राहुल का पैसा दे रहे हो तो लास्ट एंट्री क्या होगी, पांचवी वाली, राहुल अकाउंट, राहुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश जा रहा है राहुल के पास से, ठीक, कितना जा रहा है, 1,000 रुपीज़। अब देखो यहाँ तक तो बेटा आप लोगों को जनरल एंट्री आती थी, अब इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर में, कहाँ करनी है पोस्टिंग इसकी, लेजर में। अब इसकी पोस्टिंग करते कैसे, देखो ध्यान से, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ऐसी में ऐसे बनाना नहीं है, समझाने के लिए ऐसे मैंने बना लिया है, देखो कितने अकाउंट आपको बनाने हैं, कितने लेजर अकाउंट बनाने हैं, देखो सबसे पहले आप देखो कितने अकाउंट आपको बनाने हैं, एक तो परचेज हो गया ठीक है, दूसरा अमन हो गया, अमन पहले बना चुकी हो तो सबसे पहले एक मान लो परचेज ठीक है, एक मैंने बनाया परचेज अकाउंट बनाएंगे हम लोग अभी ठीक, फिर दूसरा कौन है, अमन को बनाएंगे भाई अमन, तीसरा क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट, देखो अमन तो यहाँ बन चुका है, दोबारा अमन नहीं, जो रिपीट हो उसको नहीं, कैश तीन हो गया, कैश फिर से हो गया, अमन फिर से हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर ही बनेगा भाई कोई बात नहीं, बनाएंगे हम लोग, चार हो गया, अब पांचवा क्या है, फर्नीचर कैश अकाउंट, राहुल टू कैश, तो राहुल का भी अकाउंट बनेगा, तो जितने अलग अलग सेपरेट नाम होंगे उतने अलग अलग अकाउंट बनेंगे, तो पांच अकाउंट बनेंगे बेटा, कौन कौन से, परचेज अकाउंट, अमन अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, राहुल अकाउंट, ये पांच अकाउंट बनेंगे कैसे, हम लोग पांच अकाउंट पहले बनाते हैं ठीक। चलो भाई अब इसमें देखो बनता कैसे, ये आप लोग खाली अभी सीखो, देखो भाई लेजर के लिए अकाउंट बनता है, देखो कैसे बनता है, एक में हम लोग कितना कितना बनाएंगे, दो दो बनाएंगे, एक सेकेंड, ठीक, सीधी लाइन बनी रही यार, चलो बन गई ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले पहली लाइन रहेगी उसमें डेट, फिर दूसरी लाइन रहेगी बेटा पर्टिकुलर, फिर तीसरी लाइन रहेगी बेटा JF, और फिर रहेगी अमाउंट ठीक है, फिर रहेगी इसी तरह से डेट, फिर रहेगी पर्टिकुलर, फिर रहेगी JF, फिर रहेगी अमाउंट, ये एक अकाउंट बन गया। इस तरह से हमें पांच अकाउंट बनाने हैं, इसके अंदर क्या लिखना है ये बताता हूँ ठीक, जल्दी जल्दी बनाते हैं, चलो ठीक है स्पीड बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ी लाइन हो जाए तो माफ़ कर देना भाई, आप लोग गुस्सा उस्सा नहीं होना भाई, ये तो जल्दी जल्दी बनेगा कैसे, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, फिर ये हो गया आपका डेट का कॉलम, फिर हो गया पर्टिकुलर का कॉलम, फिर ये हो गया आपका JF का कॉलम, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, यार डेबिट होता है क्रेडिट होता है ठीक है, पांच बनाने पहले पांच बना लेते हैं फिर बात करते हैं ठीक। फिर तीसरा बनाओ डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, JF का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट ठीक है, ठीक है तीन, चौथा बनाते हैं जल्दी से फटाफट, ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये JF हो गया, ये अमाउंट हो गया ठीक, ये किसका हो गया, डेट हो गया,
ये पर्टिकुलर हो गया, ये जेएफ हो गया, ये अमाउंट हो गया, चार हो गए, पांच बनाने हैं भाई, एक और बनाते हैं जल्दी से लास्ट। डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, तो यहाँ से जेएफ हो गया, से अमाउंट हो गया, फिर डेट हो गया, फिर पार्टिकुलर हो गया, फिर जेएफ हो गया, फिर अमाउंट हो गया। ठीक, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये क्या बेटा, डेट का कॉलम, ये है पार्टिकुलर का, इसको भर डालो, ये है जेएफ का, और ये क्या आपका यहाँ पर अमाउंट, ठीक, ये है डेट, पार्टिकुलर, बस इसी सब में टाइम लगता है लेजर में, ठीक है। ये यहाँ पर होगा जेएफ, ऊपर लिख दे रहा हूँ जे एफ और अमाउंट, यहाँ पर जनरल फोलियो लिखते हैं, जनरल में क्या लिखते थे हम लोग, लेजर फोलियो, लेकिन लेजर में क्या लिखते हैं, उल्टा, जनरल फोलियो, ठीक। ये क्या है, क्रेडिट साइड है, ये क्या आपकी डेबिट साइड है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग राहुल सकाउंट, किसका दे देते हैं बेटा, राहुल सकाउंट, ठीक। आगे देखो, फिर यहाँ पर क्या होगा, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर जेएफ, यहाँ पर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, डेट पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है, ये हो गया आपका डेट पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। एक और बच्चा भाई कहाँ गया, दो बच्चा है, आज तो हालत ख़राब हो गई भाई, आप लोग को भी लग रहा हो क्या बोरिंग चीज़ आ गई है, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, अमाउंट कहाँ चले जा रहे हो भाई, डेट, इसकी मैं स्पीड अभी बढ़ा देता हूँ, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। फिर तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। ये आपकी क्रेडिट साइट है, ये आपकी डेबिट साइट है, ये आपकी डेबिट साइट है, ये आपकी क्रेडिट साइट है, इसको यहाँ पे पहले वाले को हम लोग देंगे नाम परचेज अकाउंट, ठीक है, दूसरा वाला हमारा है अमंस अकाउंट, तीसरा वाला है हमारा कैश अकाउंट, चौथा वाला बेटा हमारा फर्नीचर अकाउंट, और पांच वाला राहुल था जो कि हम लोग पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। अब कोशिश स्टार्ट करते हैं कैसे करा जाता है। देखो, सबसे पहले आपने एंट्री पास की थी, और कोई और कलर ले लेते ताकि आप अच्छे समझ पाए। तो सबसे पहले आपने एंट्री पास की थी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, क्या लिखा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। अब इसको कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, ध्यान से देखो क्या लिखा है, परचेज की अकाउंट के डेबिट में कितना, 10,000 रुपये, परचेज अकाउंट के डेबिट में 10,000 रुपये। तो आप परचेज अकाउंट में जाओगे, कहाँ जाओगे आप, परचेज अकाउंट में, और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे बेटा, 10,000 रुपीज, समझ में आ रही बात, क्या था, परचेज अकाउंट के डेबिट में 10,000 रुपये, और वहां पर क्या लिखा था, अमन, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन, देखो यहाँ पे लिखा ना, ये टू अमन, अमन में कितना है, 10,000 रुपये, लेकिन अमन के कौन से साइड में है, अमन के क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये, तो अमन के क्रेडिट साइड में लिखोगे 10,000 रुपये। फिर समझो, परचेज के डेबिट में 10 था तो डेबिट में 10,000 लिख दिया, अमन के क्रेडिट में 10,000 था, 10,000 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेटा आपको डेट दी रहेगी, मान लो 1 अप्रैल की डेट है तो वो लिख दो, यहाँ पर भी डेट दी हुई है तो 1 अप्रैल लिख दो। सर पर्टिकुलर में क्या लिखना है, देखो ध्यान से, पर्टिकुलर में क्या लिखना है, परचेज के डेबिट में 10,000 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर परचेज नहीं लिखोगे, उसके अपोजिट साइड क्या है, अमन, अरे 10,000 रुपये कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि अमन से सामान खरीदा, तो अपोजिट में क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट वाला, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट वाला, अपोजिट वाला क्या है, टू अमन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय, इसके अपोजिट में बाय परचेज अकाउंट, ठीक ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री देखते हैं, दूसरे में लिखा अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब लिखा है अमन के डेबिट में 5,000 रुपये, अमन के डेबिट में 5,000 रुपये, तो अब इस साइड लिखो अमन के डेबिट में 5,000 रुपीज, और कैश है तो अम कैश के क्रेडिट में 5,000 रुपीज। उसका उल्टा क्या है, अमन का उल्टा क्या है, कैश का उल्टा क्या है, पैसा कहाँ से है, अमन से, तो बाय अमन, डेट यहाँ पर लिख लो,
डेट जो दी रही वही लिखना, हमने तो अपने से लिख लिया ठीक। और यहाँ पर क्या लिखोगे, कहाँ से पैसा आया, टू अमन के डेबिट ने 5,000 रुपये कहाँ से आया था, देखो अमन के डेबिट ने 5,000 रुपये कहाँ से आया था, उसके उल्टा क्या था, कैश टू कैश अकाउंट ठीक। जी सर ठीक है, आगे बताइए। तीसरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, कैश के डेबिट में 3,000, अमन के क्रेडिट में भी 3,000, मतलब कैश के डेबिट में 3,000, अमन के क्रेडिट में 3,000। तो चलो भाई देखते हैं, कैश का डेबिट किधर है, ये 3,000 रुपये, और अमन का क्रेडिट कहाँ है, ये 3,000 रुपये। उल्टा कहाँ से आया, आया पैसा कहाँ से, अमन के क्रेडिट में 3,000 कहाँ से आया, बाय कैश अकाउंट, उसके उल्टा वाला। या दो अपने लेट डाल लेते हैं, ये यहाँ पे कैसे आया, टू अमन, टू अमन, अमन की तरफ से पैसा आया है ठीक है। ठीक है तीन हो गई एंट्री। चौथी एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में 4,000 रुपये और कैश अकाउंट के क्रेडिट में 4,000 रुपये। तो फर्नीचर अकाउंट देखो कहाँ है भाई, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में 4,000 रुपये और कैश अकाउंट के क्रेडिट में 4,000 रुपये। कैश अकाउंट कहाँ है, इसी के ऊपर था ये, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 4,000 रुपये। अब आया कहाँ से पैसा, ये क्रेडिट में बाय फर्नीचर, ये कहाँ से आया, टू टू कैश ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। और लास्ट एंट्री है राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राहुल के डेबिट में 1,000, कैश के क्रेडिट में 1,000। राहुल का डेबिट कहाँ है, ये राहुल के डेबिट में 1,000 रुपये, आया कहाँ से, रीज़न है टू कैश, और कैश के क्रेडिट में 1,000, आया कहाँ से, राहुल के पास से। तो कैश के क्रेडिट में 1,000 रुपये बाय राहुल। समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। तो इसी तरह से लेजर पोस्टिंग की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग करते हैं लेजर पोस्टिंग, यहाँ पे डेट अपने डाल दो, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, क्योंकि पेपर में तो आपको डेट दी रहेगी तो आप डेट अपने हिसाब से समझ कर लेना, वो बड़ा कर लो ठीक। मैंने डेट नहीं लिखी है तो ये मैं सोचूँ कि डेट नहीं है, डेट जो दी रहेगी वो लिख लेना, यहाँ से मैंने अपने से ही लिखी है। अब इतना काम करने के बाद आपको करनी पड़ती है बेटा बैलेंसिंग, क्या करनी पड़ती है, बैलेंसिंग। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जितने भी, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर देखो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसकी बैलेंसिंग नहीं होगी, उसकी बैलेंसिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि बेटा नॉमिनल अकाउंट होता क्या, पहले नॉमिनल अकाउंट में आपका आता है जो एक्सपेंस और इनकम होती है, जैसे परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, आपकी सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी खर्चे और इनकम होती हैं, रेंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये सारे जितने भी अकाउंट है बच्चा, रेंट, कमीशन, सैलरी, परचेज, सेल्स, ये सबको आपको क्या करना है भाई साहब, पता है इन सारे नॉमिनल अकाउंट क्या करना है आपको, इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी है, इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी है ठीक है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप लोग आगे जाके बेटा एक चैप्टर पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स, वहाँ पर आपको सारे खर्चे और इनकम का हिसाब देना होता है, इसलिए इसकी बैलेंसिंग हम लोग वहाँ पर ही कर लेंगे, यहाँ पर नहीं करते ठीक है। आगे पढ़ोगे समझ में आएगा अभी। अब करनी किसकी है, बाकी जो अकाउंट बचे, अब देखो क्या है भाई, अब बताओ परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी बैलेंसिंग नहीं करनी है, इसमें बस सिंपल आप ऐसे करना, कोई और कलर लेता हूँ, ऐसे करना, कितना था ये 10,000 ना, बस आप इसको ऐसे 10,000 करके लिख दोगे, खत्म हो गया काम खत्म ठीक। अब हो क्या रहा है आगे देखो, कि अब इसमें देखो अमन अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, तो इसकी बैलेंसिंग होगी। अब बताओ ज़्यादा किधर, इधर ज़्यादा है कि इधर, सर क्रेडिट साइड जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो, कितना है 13,000, तो 13,000 ठीक, 13,000 लिखा है, समझ में नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूँ 13,000। अब इधर कम कितना था, तो आप मंथ की लास्ट डेट लिखोगे यहाँ पर, 31 मार्च या अप्रैल, जो भी महीना होगा, मान लो अप्रैल था तो 30 अप्रैल लिख लेना, लास्ट डेट टू बैलेंस सीडी, अगर इधर कम होता बाय बैलेंस सीडी, इधर कम है टू बैलेंस सीडी, इधर 13 इधर 5, तो 5 में 13 कितना बचेगा, 8,000।
ये बैलेंसिंग हो गई, समझ में आई बात, क्लियर है। अब जो ये सीडी हुआ 30 अप्रैल को, इसके बाद कौन सा महीना आता है? सर 1 मई आता है। तो यहाँ पर लिखोगे 1 मई, और जो बैलेंस यहाँ पर सीडी हुआ है ना, उसको आप फॉरवर्ड करोगे और लिखोगे बाय बैलेंस बीडी कितना, 8,000 रुपये। ठीक है, मतलब जो बैलेंस आपने सीडी किया उसको अगले मंथ में यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके आप कहाँ लिख दोगे, इस साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपये। क्लियर, ठीक है, ये होगी बैलेंसिंग। अब कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है बताओ? कैश अकाउंट आपका भाई पर्सनल, अब वो रियल अकाउंट है, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। चलो ज़्यादा किधर है, इधर की इधर, जल्दी बताओ सर, क्रेडिट साइड में, तो ज़्यादा वाले दोनों तरफ लिख लो, इधर भी लिख लो, इधर भी लिख लो, इधर कितना है 5 4 9 1 10, इधर कितना है 3, तो 10,000 दोनों तरफ लिख लो, 10,000, 10,000, ठीक, समझ में आ रही बात, यहाँ तक 10,000। अब इधर कम कितना है, तो यहाँ पर मंथ की लास्ट डेट लिखो, मंथ की लास्ट डेट मान लो 30 अप्रैल, यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस सीडी, 10 में से 3 के कितना बचेगा बेटा, 7,000 रुपये, समझ में आ रही बात। अब जो पैसा 30 तारीख को है, वो अगले मंथ की 1 तारीख को आगे लेके आओ, यहाँ पर लिखो 1 मई, बाय बैलेंस बीडी कितना, 7,000। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। इसी तरह फर्नीचर अकाउंट करो, अब फर्नीचर अकाउंट ज़्यादा किधर है, ये तो एसेट रियल अकाउंट होता है, तो भाई दोनों इधर ही ज़्यादा है, तो दोनों तरफ लिख दो 4,000, इधर जाहिर सी बात इधर ही ज़्यादा, क्योंकि उधर है ही नहीं, तो 4,000। बैलेंसिंग के लिए मंथ की लास्ट डेट लिखो 30 अप्रैल, कितना काम है इधर, पूरा का पूरा ही काम है, बाय बैलेंस सीडी लिखो, और कितना लिखोगे यहाँ पर, 4,000 रुपये। इसको आगे लेके आओ, यहाँ पर क्या लिखोगे, 30 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 4,000 रुपीज़, हो गया, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट बेटा आपका राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं बेटा, राहुल में देखो यहाँ पे मान लेते हैं 5 तारीख डाल लेते हैं, ज़्यादा किधर है, इधर ही जाहिर सी बात सर, ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिख लो, 1,000 इधर, 1,000 इधर। अब पैसा कम पड़ रहा है, मंथ की लास्ट डेट लिखो और लिखो बाय बैलेंस सीडी कितना कम है, 1,000 रुपीज़ कितना कम है, 1,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आगे लाओगे और लिखोगे 1 मई, क्या लिखोगे, 1 मई, ठीक है। अब जो पैसा कैरी डाउन किया उसको ब्रॉट डाउन लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन में बैलेंस की स्पेलिंग पूरी लिखना, मेरे तरह मत लिख देना, मालूम चले बोलो सर आपने कहा था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक, ये हो गया आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये बैलेंसिंग होगी। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा, इस तरह से करते हैं लेजर की बैलेंसिंग, एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। आज से पहले हम लोगों ने लेजर का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हम लोगों ने ये जनरल एंट्री क्वेश्चन था, फिर हम लोगों ने ये जनरल एंट्रीज की पास करी, फिर लेजर का अलग अलग अकाउंट बनाया, परचेज, अमन, फिर ये नॉमिनल अकाउंट के बारे में समझाया था आपको, फिर ये आपको सारी चीज़ें बताई मैंने, और लास्ट में फिर आपको ये राहुल की बैलेंसिंग करी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर लेजर का, इसमें ऐसे ही सारी बैलेंसिंग करनी रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तब भी मन में कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम आईडी है बेटा मेरी, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे A1 Coaching 1 2 3 4 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेंगे न्यू वीडियो में, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, तब तक के लिए थैंक यू।